हमारी जो प्रॉपर श्रद्धा है कि हम मानते हैं, हमें पता है वो ठीक है। व्हेन आई वाज थ्री, जब मैं 3 साल की थी तब से डेरे में आ रही हूँ, मेरे को 3 साल से लेके 19 ईयर 20 ईयर्स तक कोई भी इतनी सी बात नहीं दिखी। तो मेरा प्रॉपर विश्वास है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वो दुनिया बातें बनाती है, बनाती रहेगी, हमें इग्नोर मार के पिताजी पे कंसंट्रेट करना है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सेजल इंसा और हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आज ये किस कारण डेरा सच्चा सौदा में आई हुई है, क्या वजह है इसके पीछे कि ये आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डेरा सच्चा सौदा में उपस्थित है, और हम उनसे बातचीत करके जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज आप डेरा सच्चा सौदा में किस लिए आई हुई है? यहाँ पे हम सेवा करने के लिए आए हुए हैं, और इसलिए आए हुए हैं कि पिताजी ने हमारे साथ, जिनको आप बोलते हो डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छे चीज़ें कर रखी हैं, तो इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करने, सेवा करने हम इस दरबार में आए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या अच्छा कर रखा है समाज के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए, तो थोड़ा विस्तार में बताइए। हमारे लिए तो उन्होंने सब कुछ ही अच्छा कर रखा है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जेंडर इक्वालिटी करी कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं, ना कि लड़का बड़ा है लड़की छोटी है, लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, दोनों इक्वल हैं। तो सबसे बड़ी हमारे लिए मेजोरिटी यही, और लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत बहुत कुछ कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो समाज होता है वो लड़कियों को फेंक देता है, पैदा होते ही फेंक देता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे शाही बेटी बसेरा बना रखा है, जिसमें बच्चों को वो लड़कियों को पालते पोसते उनकी शादी करते हैं अच्छे से। तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है। मैम आपकी एजुकेशन क्या है? बीकॉम फाइनल ईयर। आप यूथ हो, एजुकेटेड हो, इसके बावजूद भी आप गुरु और सत्संग वगैरह में विश्वास रखते हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि जहाँ पे हमारी चीज़ें मन्नतें पूरी होती हैं हम वहीं पे आते हैं, हमारी बोलने से पहले यहाँ पे पूरी हो जाती है। हम सिर्फ सोचते हैं यार ये होना चाहिए, और पिताजी उतने में ही पूरा कर देते, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। आप गुरु जी को पिताजी बोलते हो क्या? हाँ जी, पिताजी बोलते हैं हम, क्योंकि वो हमारे पापा की तरह है, तो पापा को हम पापा जी भी बोलते हैं, पिताजी भी बोलते हैं, डैडी भी बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं उनको। अगर बात की जाए लड़कियों की, तो लड़कियों की किस तरह की सेफ्टी यहाँ दी जाती है डेरा के अंदर? यहाँ पे सबसे बड़ी सेफ्टी ये दी जाती है कि बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग सेक्शन है, कि बॉयज़ का इधर डिपार्टमेंट है, गर्ल्स का इधर डिपार्टमेंट, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप देखते हो छेड़खानियाँ, वैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। और गर्ल्स को हर एक चीज़ में यहाँ पे आगे किया जाता है, चाहे वो कोई ड्यूटी हो, सिक्योरिटी हो, कि बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ बॉयज़ होते हैं आगे, लेकिन इसमें इधर गर्ल्स को भी आगे किया जाता है, तो हर चीज़ सेफ्टी वगैरह गर्ल्स में ही आगे हैं यहाँ। आपने इतना अच्छे तरीके से बताया कि लड़कियों को यहाँ इतना आगे रखा जाता है, गुरुजी आपके पिताजी लड़कियों को इतना आगे रखते हैं, इसके बावजूद भी बहुत कुछ सुनने को मिला है डेरा के खिलाफ की ऐसा होता है वैसा, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले चीज़, जो कोई बंदा अच्छा जा रहा होता है उसके पीछे सारे बुरे इल्ज़ाम लगाते ही लगाते हैं। अगर हम सही जा रहे हैं तो वही कहेंगे कि कैसे चल रहा है, वैसे कर रहा है, वो लोगों का काम है चार बातें बनाना, हमें इधर से सुन के इधर से इग्नोर मारना है। हमारी जो प्रॉपर श्रद्धा है कि हम मानते हैं, हमें पता है वो ठीक है। व्हेन आई वाज थ्री, जब मैं 3 साल की थी तब से डेरे में आ रही हूँ, मेरे को 3 साल से लेकर 19 ईयर 20 ईयर्स तक कोई भी इतनी सी बात नहीं दिखी। तो मेरा प्रॉपर विश्वास है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वो दुनिया बातें बनाती है, बनाती रहेगी, हमें इग्नोर मार के पिताजी पे कंसंट्रेट करना है। आपके पिताजी ने किस प्रकार की शिक्षा आपको दी है? उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है सबसे बड़ी, कि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, किसी के बारे में उल्टा मत बोलो, सबसे मेन चीज़ नशा मत करो, ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं कि वीड लेते हैं, मतलब जितने भी टाइप के नशे हैं ड्रग्स में मत घुसो, क्योंकि बंदा ख़त्म होता है उसे। उन्होंने यही कहा कि नशे मत, कुछ उन्होंने ज़्यादा नहीं सिखाया, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि नशा मत करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, और आप जहाँ पे ठीक हो वहीं पे खड़े रहो, मतलब लोगों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। जो आपके गुरुजी ने आपको सिखाया है, क्या आप उसे फॉलो करते हो? हाँ जी, प्रॉपर फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, नशों से तो भाई बहुत 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 दूर हैं, और बस ऐसी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और वो अपनी दया मेहर बरसाते हैं, और हम लाइफ में आगे 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 बढ़ते जाते हैं। जो आपके गुरुजी आपको सिखाया है आपको, जो भी कार्य है जो किए हैं आपने, डेरा फॉलोअर करते आए हैं, क्या वो कार्य आज भी रेगुलरली किए जा रहे हैं? हाँ हाँ, करे जा रहे हैं। आप देख लो, लाइफ में देख लो, स्वच्छ भारत अभियान किसी को पता भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं करता था, वो सबसे पहले पिताजी ने स्टार्ट किया, अभी तक लोग फॉलो कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ भी नहीं था, हम जब 12-13 साल के थे तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने सुना भी नहीं था, पिताजी ने उसको इनोवेट किया कि हाँ ये होता है, उसके बाद सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ चल ठीक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब सारी जो डेयरी की रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, गवर्नमेंट उसी को फॉलो करती आ रही है। बींग गर्ल आप कैसा महसूस करते हो यहाँ पे?
सेफ सबसे मेन चीज़ जो गर्ल के लिए मेन प्रायोरिटी होती है कि सेफ रहना है, कि मतलब कोई गलत नज़र से नहीं देख रहा, मतलब एक प्रॉपर सेफ्टी सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है गर्ल्स को, ये नहीं कहते कि ओए तू लड़की है तूने ये काम नहीं करना, यहाँ पे लड़कों और लड़कियाँ सेम काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी वीडियो द्वारा क्या मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? हम लोगों तक यही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप जो बोलते हो डेरा सच्चा सौदा ऐसा वैसा, हम आपको मना नहीं करें, आप बोलो, चार बातें बोलते हो आठ बातें बोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जिस बारे में आपको कुछ पता नहीं है उस बारे में बोलने से अच्छा उस बारे को अच्छे से देखो और यहाँ पे आके देखो, उसके बाद बोलना डेरा सच्चा सौदा कैसे। और हम डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स हैं, रहेंगे, मरने के बाद भी रहेंगे। थैंक यू। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? सरकार गवर्नमेंट से कुछ अपील ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सुनती नहीं है, उन्हें चलानी अपनी होती है, गवर्नमेंट की कोई अपील नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ टाइम पास कर रही है और वो दिख रहा है सबको क्या टाइम पास कर रही है। धन्यवाद मैम, हमारे साथ एक वेल एजुकेटेड लड़की जुड़ी हुई थी जिन्होंने किस तरीके से हमें डेरा के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया है कि क्या है डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई। ऐसी ही सच्ची खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।